Hi guys, this is Mitalio and welcome back to my channel. No, it's Janvi's channel. Okay, take again. Hi guys, this is Mitali here and welcome back to my besties channel, Batata Vada, Janvi Yashwant Rao, jaise bhi aap jante ho. So as the title suggests, today we are swapping our diets. So basically, aaj main Janvi ki diet follow karungi, Batata Vada ki diet. And Janvi meri diet follow karegi, Mitali Shrishta ki diet. It's gonna be difficult because hum dono ki diet kafi zyada different hai. Like, yeah. Personality wise we are very different, so it is difficult for me to be Janvi and same for her. तो अभी breakfast का time है सुबह सुबह and मेरी diet के हिसाब से I don't eat breakfast, like मेरे से कुछ नहीं जाता है सुबह भी, क्योंकि मैं सीधा lunch करती हूँ. So ये 6 महीने के बाद I feel मैं breakfast कर रही हूँ, या breakfast. So yeah. For the breakfast, I have 2 chapatis and 1 egg. ठीक, मैंने चपाती बनाने की कोशिश की है, मतलब ठीक है यार, मैं खा सकती हूँ चपाती. So I have 2 chapatis, वो भी सुबह सुबह, जिससे कुछ नहीं खाया जाता है, वो 2 chapati और अंडा खाएगा आज. Wow. I swapped my diet with my best friend, Mitali Shrestha. और मेरे को बहुत अभी आप देख ही लोगे मैं क्या खाने वाली हूँ, और उसके बहुत ज़्यादा मज़े होने वाले आज पूरे दिन के लिए. और वो बहुत ऐसी चीज़ें खाती है जो खाते वक्त मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, एंड मैंने से दिस सच्ची में लिटरली मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, पता चल जाएगा. तो अभी मैं खा रही हूँ ये ब्राउन ब्रेड और ब्लैक कॉफ़ी, और वहाँ पे जानवी खा रही है ब्राउन ब्रेड विथ सम ब्लैक कॉफी, क्योंकि अगर इन केस अगर मैं कभी खाऊंगी कुछ भी तो इट विल बी कॉफी एंड ब्राउन ब्रेड फॉर श्योर. यू सी ब्राउन ब्रेड, क्यों मिताली, यू आर ईटिंग समथिंग हेल्दी एंड यू नॉट लुक हेल्दी एंड ऑल ऑफ दैट. बट द थिंग इज, हमारे घर पे व्हाइट चीजें बहुत ही कम आती है, वी यूजली ईट ब्राउन ब्रेड. राइस तो व्हाइट ही खाते हैं, बट ब्राउन ब्रेड ही खा रही हूँ. मैंने मुझे शक्ल भी याद नहीं है व्हाइट ब्रेड कैसा दिखता है. सो या, लेट्स ईट दिस नाउ. ठीक है, खा सकते. और ये वीडियो मैंने आशना हेगड़े के यूट्यूब चैनल पे देखा था, आशना हेगड़े और MNG का. Inspired by Ashna Hegde and Miss Chairman. Ganpati Bappa Moriya. Goosebumps are good. भरा हुआ है, कहाँ से निकल मैं गिर जाएगा. मैं तो ग्रिल में बैठी हुई, मतलब वो गैलरी में बैठ रुक गया, मैं अगर नीचे गिर गई ना. मेरा सिस्टम बोलेगा ये क्या आ रहा है यार, ब्रेकफास्ट में तो कुछ होता नहीं है इसका, कैसे आ गया आज ब्रेकफास्ट. भूखी नहीं थी यार, फिर भी खाना पड़ रहा है. प्लीज कोई कमेंट्स में मत लिखना कि खाने की डिसरिस्पेक्ट या समथिंग, प्लीज, क्योंकि मैंने ये देखा है जो भी फूड चैलेंज करते हैं और उन लोग का ऐसे कुछ पसंद नहीं आता है, वो लोग बनाते हैं, लिखते हैं लोग की खाने की डिसरिस्पेक्ट करते हो. आप भी खाओगे तो आप भी ऐसे ही मुंह बनाओगे फॉर श्योर. एक तो मेरे को ये सब खाना अच्छा नहीं लगता है, कैसे खाते हो क्या पता यार, ढकार आ जाएगा. ऑल्सो आई थिंक मैंने चीटिंग की है, क्योंकि जानवी की रोटी उससे बड़ी होती है. आई डोंट नो, ये बहुत बड़ी दिख रही है बट ये छोटी है, पता चलेगा. वर्चुअली कर रहे हैं ना.
सामने सामने अगर ये चैलेंज किया जाता ना, ट्रस्ट मी हम दोनों की बैंड बज जानी थी, क्योंकि हम दोनों ना पागल कर देते एक दूसरे को। वो मेरा प्लेट भर देती खाने से एंड मैं उसको शुगर उसका पूरा छीन लेती उससे। मेरी सांस चढ़ने लग गई, पेट ही नहीं भर रहा। ये सेटअप करते करते सब ठंडा हो गया। ये मेरा आइडिया था ये करने का, मुझे लगा था मजा आएगा। मेरी मम्मी अभी मेरे को बोल रही थी कि बेटा चपाती बनाया है, वो कढ़ाई में आलू डाल दे, देखो आलू डाल के बना लो, खा लो। नहीं, आलू का कुर्बानी किया मैंने, मुंह दुख रहा चबा चबा के। वेल आई एम बैक एंड मेरा ब्रेकफास्ट हो गया खत्म, प्लेटें भी मैंने धो दी है। ट्रस्ट मी, कसम से मैंने दोनों रोटियां खाई है। इट्स फीलिंग हैवी बट या ब्रेकफास्ट खा के मुझे तो मजा आया। आई होप जानवी को भी अपना ब्रेकफास्ट खा के मजा आया हो। That's all for the breakfast. See you guys when I'm doing my lunch around 3 o'clock, क्योंकि 3 बजे तक तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। सो या, सी यू देन, बाय बाय। हाय गाइस, आई एम बैक और मैं अभी आ गई हूँ मेरे लंच के साथ। तो यहाँ पे प्लेट में यहाँ पे काफ़ी सारा दाल एंड राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी है और एक रोटी है। सो मेरी डाइट पे सिर्फ दाल चावल रहता है दिन में, दाल चावल, अचार, पापड़ एंड ककड़ी, बहुत सारे कुकुम्बर्स बिकॉज आई रियली लाइक कुकुम्बर्स। एंड ये सब्जी है आलू की, थोड़ी जल गई है बिकॉज मैं सब्जी बना रही थी एंड रोटी भी बना रही थी। ये तो सब्जी मैंने बनाई, रोटी भी नहीं बनती है मेरे घर पे, तो मैंने रोटी भी बनाई अपने ऑनलाइन लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद, तो इसलिए वो साइड में थोड़ी सी जल गई। आई एम हैविंग माय लंच नाउ एंड आई एम सो हंग्री, मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं लेक्चर में बैठी थी एंड आई लिटरली सेंट अ स्नैप टू मिताली कि मैं रो रही थी। मतलब मुझे ना लेक्चर चालू था और मम्मी और मेरा भाई खाना खा रहे थे और मैं तभी खा नहीं सकती थी लेक्चर की वजह से। मैं वो देख रही थी आलू का भाजी, दाल चावल, और मेरे को इतना रोने को आ रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मेरे को खाना है। थैंक गॉड, भगवान की कृपा है मुझ पर कि मिताली नॉर्मल खाना खाती है दोपहर को, थोड़ा सा चावल और भाजी। एंड आई होप तेरा थोड़ा सा चावल इतना हो, क्योंकि ये मेरा थोड़ा ही है, क्योंकि मैं नॉर्मली इससे भी ज़्यादा खाती हूँ। आई एम सॉरी बट प्लीज़ डोंट जज माई डाइट प्लीज़, बट मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। सो मैं और बात नहीं करना चाहती, मैं खाना खाती हूँ। तो ये रहा मेरा लंच, लेट्स जस्ट हैव इट राइट नाउ बिकॉज 3 बज गए, 3 नहीं अभी 3:30 हो गया है। 3 बजे तक खाना था बट ये सब बनाने की वजह से लेट हो गया है। लेट्स हैव नाउ बिकॉज अब मुझे भूख लग रही है, बिकॉज हाँ यार 3 बजे मेरे सिस्टम को चाहिए ना। और ये चमचा से फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा खाने का तरीका थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। मिक्स भी नहीं होता अच्छे से चम्मच से, मुझे मज़ा आ रहा है, चैलेंज करते हैं। अरे जानवी को भी मज़ा आ रहा होगा। सुकून मिला तो थिंग्स दैट आई एम मिसिंग राइट नाउ लंच में सब बराबर है, घर का ही खाना आई है, बट आई नीड पिकल, अचार चाहिए मुझे और पापड़ चाहिए। लॉकडाउन में सब लोग जब मैगी स्टॉकअप कर रहे थे, मैं और मेरे भाई ने किया था पापड़ एंड अचार स्टॉकअप, लाइक वी नीड दैट पिकल एंड पापड़ अपने लंच के साथ। उसके बिना दाल चावल हम खा ही नहीं सकते हम दोनों, मैं और मेरा भाई। सो या दैट इज़ समथिंग जो मैं मिस कर रही हूँ अभी, बट जो डाइट मुझे जानवी ने भेजी है, डाइट चार्ट जो भेजा था उसका, उसमें नहीं था वो। सो मैं खा रही हूँ, जो वो यूजुअली खाती है 2 टाइम का खाना वो 1 टाइम में खाएगी। ये मुझे बहुत ओवर होने वाला है, मुझे फील आ रही है इसकी, क्योंकि मैं दाल राइस और रोटी एक साथ नहीं खा सकती, सिर्फ रोटी रोटी वैसे दाल राइस। बट आज हम खाएंगे ब्रेकफास्ट। बहुत हंसी आ रही है सोच के कि वो क्या कर रही होगी अभी। जानवी की डाइट फॉलो करना, वेल जानवी की डाइट अगेन है विच ड्रीम डाइट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा खाना आता है। जैसे आज मैंने बहुत ज़्यादा मज़े है, आज तो खाने के मामले में ना
है कि वो इतना टाइम में मील नहीं खाती, पाकिस्तान को ले थी दैट द रीजन। आई होप मिताली यू आर फाइन, तेरा ज़्यादा पेट भर के फट ना गया हो, क्योंकि ठीक है बाय। हम लोग यही स्पून रखते हैं इसके अंदर, तो अब इसने बोला है तो फिर कॉफी वो मैं निकाल के रख दी, यहाँ पे दूध है। सो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मैं लास्ट इसमें अपने कॉफ़ी बना रही थी थोड़ी सी शक्कर के साथ, तो अभी मैं वो कॉफ़ी पीऊँगी जो अभी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि ट्रस्ट मी गई सेटअप बनाते बनाते मेरा हो जाता है। और ये कॉफ़ी थी तो आप लोग बोलोगे कि बाद में बनाया कर, सेटअप पहले किया कर, तो ये दूध गैस पर रखा था एंड आई कांट रिस्क माई लाइफ दूध गैस पर रख के कुछ और काम करना। आई डोंट नो ये कॉफ़ी कैसी होगी, क्योंकि इतनी शक्कर के साथ मैंने कभी कॉफ़ी नहीं, मैंने पी है कॉफ़ी जो शादी में होती है ऐसी, या कहीं पे होटल में गए रहने को बाहर तो रहती है तो बहुत गंदी रहती है। अनस को पता है मैं कितनी अच्छी कॉफ़ी उसने पी है। Hi guys, I'm back. Well, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आके यहाँ पे अपना लंच कर रही थी एंड आई एम अगेन बैक विथ माई What do you say? Evening snacks. तो फॉर माई इवनिंग स्नैक्स मेरे पास यहाँ पे ये बिस्किट्स है, ये चाय है गर्मा गर्म, और उसने लिखा था एंड वो नमकीन भी खाती है, कुरकुरे और एनीथिंग विच इज सॉल्टी। सो मेरे पास यहाँ पे मसाला वेल ऐसा था इंस्टेंट वेल, तो मैंने वो रख लिया, तो मैं यही खा रही हूँ। इसके मील इसकी डाइट में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, गैप ही नहीं है। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है अराउंड एक घंटे बस मेरा डिनर भी हो जाएगा, बहुत ही इंटेंस डाइट है। मतलब आप ना इसका सिर्फ योगा ही फॉलो करो, इसकी डाइट मत फॉलो करो, कभी पतले नहीं हो पाओगे। आप योगा करके वेट लॉस नहीं करोगे उतना आप खा के पुट ऑन कर लोगे। सो प्लीज बटाटा वाला डाइट का कोई वीडियो कभी मत बनाना प्लीज। अगर आपको ऐसे चैलेंजेस और चाहिए मेरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब ऐसे जैसे मैंने अभी किए, और तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि इफ़ यू ऑल वांट ऐसे चैलेंजेस, मतलब अकेले के ही चैलेंजेस करूँ या फ्रेंड्स के साथ करूँ। और अगर आप लोग फ्रेंड्स के लिए ना भी बोलोगे तो भी मैं फ्रेंड्स लोग के साथ और चैलेंज करने वाली हूँ। मैं एकदम वाटर टैंक कर देती हूँ, मैं गड़गड़ 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 पी लेती हूँ सब कुछ। सो मेरा स्नैक्स हो गया, मैं तो स्नैक्स में ही नहीं खाती थी, मैं चाय, एक पैकेट बिस्किट वो, और कुरकुरे या चिप्स या बनाना वेफर या जो भी है वो थोड़ा सा मैं कुछ ही। अभी है डिनर टाइम एंड इसमें मेरे लिए चावल नहीं है, आई नीड चावल गाइस, आई डोंट नो हाउ यू ऑल मैनेज विदाउट चावल, लाइक आई हैव सम गुजराती फ्रेंड्स रौनक एंड आयुष एंड जो गुजराती नहीं है वो लोग भी, कुछ कमलेश, ये लोग वो लोग बिना चावल के, मतलब
चलता है उन लोगों को। Can't imagine my life without chow. फिर भी ठीक है, मैं भूखी नहीं होने वाली हूँ। ये दिस इज नॉट पॉटी प्लीज। मेरा भाई आके बोल के गया, मैं फोटो ले रही थी ना, बोला कि लग रहा है आज जो है उसका, मेरे को बहुत डर लग रहा है। आई जस्ट विश कि मैं रो ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगना भगवान से। जो उसने बोला है ना ये डिनर के बाद, वो नॉर्मली पीती है, तो उसने बस ऐसे लिखा है, उसने ऐसे जानबूझ के नहीं कि जानवी को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे उसकी से प्रॉब्लम है। बट भगवान मैं ऐसे कुछ भी नहीं करके नहीं खा सकती, मुझे तारक मेहता देख के खाना पसंद है। डोंट जज मी वाला, पसंद है मुझे तारक मेहता। क्या कर लोगे, मैं देखूंगी। सो गाइज आई एम बैक एंड थोड़ी सी टायर्ड जैसी लग रही हूँ ना मैं, बिकॉज मैं किचन में खाना बना रही थी एंड आई मेड दिस, क्या ये, हाँ पनीर टिक्का मसाला बनाया मैंने, एंड यहाँ पे मैंने दो चपाती ले लिया। यस सो डिनर करते हैं अभी, द टाइम इज वेरी अटपटा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, लाइक कुछ गैप ही नहीं है, मैं एक सांस ले रही हूँ और दूसरा मील आ जा रहा है। सो मतलब डिफिकल्ट होता जा रहा है। सो अभी तो मैं ऑलमोस्ट लाइक दिन के एंड पे आ गए हम लोग, चैलेंज के एंड पे। लेट्स टेस्ट फर्स्ट, ये कैसा है? मैंने तो बहुत मजे किया। बट एक ही चीज है कि इसकी डाइट बहुत फटाफट जा रही है, लाइक बीच में गैप नहीं है। मुझे एक ही यही चीज की कंप्लेंट है इससे, मेरे डाइट में, मेरा जो रोज का मेरा खुद का डाइट है उसमें काफी बड़ा गैप रहता है, गैप्स बहुत रहता है। जैसे सांस ले सकते हो आप, सो सकते हो, उतना गैप रहता है। इसमें आप एक अंगड़ाई मार रहे हो, दूसरी डाइट आ गए, दूसरी अंगड़ाई मार लो आपको कुछ और खाना, तो डिफिकल्ट है ये। जानवी की डाइट इजी नहीं है, मुझे समझ आ गया आज। बट मेनू की फर्क पड़ना है, हम तो इंजॉय करेंगे हमारा पनीर टिक्का, पनीर टिक्का मसाला। हाँ और इसका डाइट मुझे एक और चीज समझ नहीं आया, उसने लिखा है 7-8 बजे डिनर करती है एंड उसके बाद 9-10 बजे ये सैलेड खाती है। डिनर तो हो ही रहा है ना फिर, तो तू डिनर कैसे नहीं करती है, गॉड नोज। चलो बहुत हो गया, अभी मैं एंजॉय करती हूँ मेरा डिनर एंड आई विल कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय। हाय गाइस, सो फाइनली आई एम बैक और मैं खा के पूरे दिन थक गई हूँ, लाइक मुझे अभी कंटाल आ गया है लाइक फूड के नाम से। सो इट्स द लास्ट मील जो बटाटा वड़ा खाती है, गॉड इतना एक्सपोजर दिख जा। ये मैं डिनर के टाइम पे भी खा सकती थी ना, क्यों ऐसे एक दो घंटे बाद खाना है ये। मैं लेजेंडमेटली टायर्ड हो गई हूँ अभी खाने के नाम से। अच्छा है ये कुकुम्बर्स खाती है, बिकॉज अगर ये यहाँ पे एंड नहीं होता ना मैं फट जाती आज वीडियो में, फट जाता। अच्छा पर इट्स रियली नाइस ऑन द अदर हैंड एंडिंग योर डे विद सम सैलेड। ये इसके डाइट का अच्छा पार्ट है। डन डन डन, फाइनली वी आर डन विद द चैलेंज। ओ माय गॉड, हमने पूरा दिन एक दूसरे के डाइट स्वॉप करके किया है, आई कांट बिलीव कि कर लिया मैंने। सुपर प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड सुपर प्राउड ऑफ हर, माय बेस्टी बटाटा वड़ा को भी सुपर प्राउड ऑफ हर, बिकॉज उसने शायद काफी ज्यादा स्टार्विंग किया है। आई हेट यू मिताली, सॉरी, बट मेरे को बहुत मजा आया, काफी था बट काफी मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच बटाटा वड़ा फॉर मेकिंग मी डू दिस, आई रियली एंजॉयड इट एंड लव यू, ओवर टू यू। मुझे नहीं पसंद हल्दी वाला दूध, मुझे दूध में सिर्फ कॉफी या बॉर्नविटा पसंद है बस, डू नॉट जज मी।
मेरे को भिंडी भी नहीं पसंद, मैं भिंडी की जगह करेला खा सकती हूँ। आई लव करेला, मतलब लव नहीं बट मैं खा सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो हाँ, इससे आप समझ गए होंगे कि मेरे चॉइसेस थोड़े। ये पीने के बाद मैं एक स्पून ऐसा चॉकलेट खा सकती हूँ ना? हाँ ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। मेरे को सच्ची में बहुत ऐसी है कि तुम लोग को ये पसंद आए, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसे व्लॉग वो सब कर रही हूँ। बहुत अजीब लग रहा था कैमरा से अकेले में बात करने के लिए। और मैंने और मिताली ने उसके चैनल पे ऐसा एक और एक चैलेंज वीडियो किया है, तो ये वीडियो हो जाए तो वो वीडियो चेक करो एंड बताओ कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद आया। मेरा कमेंट पे कमी थी मेरा वीडियो भी चेकआउट करो गाइस, बहुत फन है वो वाला भी वीडियो। yes. हम दोनों ने एक दूसरे को पागल कर दिया है। उसके दो यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो दो है। yes. मैंने पागल किया और इसके दो यूट्यूब चैनल है, तो वो भी देखना और सब्सक्राइब करना, सब कर करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना उसके चैनल को, सब कर। एंड ऐसे और वीडियोस चाहिए मेरे फ्रेंड्स के साथ, इसके साथ, तो प्लीज कमेंट्स में बताना। एंड आई रियली होप यू ऑल लाइक इट। बाय बाय।